इंडियन फिल्म्स को एक बार फिर से इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिलनी शुरू हो गई है। लगभग 20 साल पहले इंडियन फिल्म्स को इजिप्ट में बैन कर दिया गया था और तब से कोई भी बॉलीवुड फिल्म वहां नहीं दिखाई जाती है, लेकिन अब शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को वहां के थिएटर्स में दिखाए जाने की परमिशन मिल गई है। एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी फिल्म रज्जो को प्रमोट करने पहुंची एक पॉपुलर कॉमेडी शो के सेट पर, और यहां कंगना ने शो के होस्ट के साथ मिलकर ऑडियंसेस को किया एंटरटेन। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और माधुरी दीक्षित एक खास कॉन्सर्ट के लिए इस वक्त न्यूजीलैंड गए हुए हैं, और इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि ये स्टार्स कॉन्सर्ट के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। प्रोड्यूसर फिरोज नडियाडवाला ने अपनी अपकमिंग फिल्म वेलकम बैक के एक सॉन्ग को पूरे 3 करोड़ रुपए में शूट किया है। इस सॉन्ग की शूटिंग रिसेंटली की गई। इस सॉन्ग में जॉन इब्राहिम नजर आने वाले हैं और इस सॉन्ग को शूट किया है डायरेक्टर अनीस बज़मी ने। फिल्म बेशरम की फर्स्ट डे कलेक्शन लगभग 19 करोड़ रुपीज रही है और फिल्म देखने ऑडियंसेस की अच्छी खासी तादाद थिएटर्स भी पहुंच रही है, लेकिन क्रिटिक्स और सोशल मीडिया पर मिल रहे बैशिंग से डायरेक्टर अभिनव कश्यप काफी परेशान है, और अभिनव का कहना है कि कुछ खास लोग वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से उनकी फिल्म को निशाना बना रहे हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। जूम ने आपको कल खबर दिखाई थी कि कैसे सोनू निगम को अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील से धमकियां मिल रही हैं, जिसकी वजह से सोनू की फैमिली काफी परेशान है, और अब इस मामले में सोनू का ऑफिशियल बयान आया है और उन्होंने इस न्यूज को कंफर्म भी किया है कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल रही हैं।